हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वॉशिंग मशीन की स्पिन वाली मोटर है और यहाँ पे हम किस तरीके से इसको चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। वॉशिंग मशीन से जब हम खोल के लाते हैं तो कैसे हम फाइंड आउट करें कि कौन सा वायर हमारा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, किस में हमारा सेल लगेगा, किस में हमारी मेन लीडें लगेंगी। तो वीडियो में बने रहें, चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी वॉशिंग मशीन पर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारी लीड निकली होगी। बाकी इसका जो सर्किट डायग्राम है हर वॉशिंग मशीन में इस तरीके से दिया होता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो यहाँ पर समझना, ये वॉशिंग मशीन की तीन वायर हैं, एक दो तीन देख सकते हैं। इसमें से ये वाली वायर इस तरीके से आई है और यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट, देख सकते हैं ये मेरा कॉमन वायर है, यहाँ पे से वाइट लिखा हुआ है, ये मेरा कॉमन वायर है, ये इस पर हम डायरेक्ट लाइन या न्यूट्रल देंगे। उसके बाद दो वायर यहाँ पे निकली हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक येल्लो और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रे, ब्लैक येल्लो और ग्रे, यानी दो वायर यहाँ पे निकली हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर लगता है उसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर लगता है उसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से कैपेसिटर होता है वॉशिंग मशीन में डबल वाला, देख सकते हैं। इसमें हमारा ब्लू वाइट, यानी ये जो ब्लू वाइट है ये हमारा रनिंग के लिए है जो कि 9 MFD का है, और रेड वाइट 5 MFD का है, देख सकते हैं ये जो रेड वाइट है ये मेरा 5 MFD का है, यानी ये मेरा स्पिन का है, ये मेरा वॉश का है। तो ये स्पिन मोटर है तो इसमें कम वाला लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं ब्लैक येल्लो, अगर हम इसको देखेंगे तो देख सकते हैं येल्लो के साथ ब्लैक है, यहाँ पर देख सकते हैं येल्लो के साथ ब्लैक है और साथ में दिया हुआ है ग्रे, तो ग्रे वायर हमारा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे हमारा लाइन दूसरी वाली न्यूट्रल या लाइन यहाँ पे जुड़ेगा, यानी ये लाइन हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया मेरा। इसलिए जो ब्लैक येल्लो है इस पर खाली कैपेसिटर की वायर जोड़नी है और छोड़ देना है। साथ में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 UF का यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो कि 450 वोल्ट 6 UF का यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। 1300 RPM है, 0.7 एम्पियर ये मोटर हमारी कंज्यूम करेगी, यहाँ पे उसको भी मेंशन किया हुआ है। अगर हम इसको वॉटेज में देखेंगे तो ये 40 वॉट के करीब यहाँ पे पावर कंज्यूम करेगी, एम्पियर 0.7 वाट एम्पियर लेगी, 0.7 एम्पियर और 40 वाट यहाँ पे ये लेगी। यानी हम इसको इन्वर्टर में भी चला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर 40 वॉट है। अगर आप एक LED 32 इंच का यूज करते हैं तो वो भी 40 से 60 वाट का होता है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे इसमें ये पावर ले रहा है। तो यहाँ पर पता लग गया होगा कि कौन सा वायर कौन सा है करके, हमारा वाइट वाला मेन है, ये दोनों हमारे कैपेसिटर के हैं, उसमें भी इन दोनों में हम क्या करेंगे कैपेसिटर जोड़ेंगे, इसमें मेन जोड़ेंगे और एक इसमें मेन जोड़ेंगे तो वॉशिंग मशीन हमारी चल जानी चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ पर जो कि काफ़ी गलती करते हैं टेक्नीशियन, ये हमारा जब भी इसको जोड़ें, अभी तो इसमें तीन वायर है इसी तरीके से लगेगी, लेकिन जब आप रिवाइंडिंग करते हैं तो इसको हमेशा याद रखें इस तरीके से घूमना चाहिए, स्पिन वाला हमेशा इस तरीके से घूमना चाहिए, इस तरीके से नहीं घूमनी चाहिए, देख सकते हैं इस तरीके से नहीं घूमनी चाहिए क्योंकि इस कंडीशन में इसका ब्रेक नहीं लगता है, ये इसको हम घुमा सकते हैं लेकिन इस कंडीशन में हम इसको नहीं घुमा सकते हैं, बहुत टाइट घूमता है, ब्रेक जो काम करेगा वो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये, बाकी हम इसको टेस्ट भी करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लेता हूँ और इसमें जो मेरा रेड वाइट था वो 5 MFD का है यानी कम का है, तो मैं इसको जोड़ूंगा इसमें क्योंकि मेरा वाइट वाला कॉमन है जो कि हमारा डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ था। तो मैं बाकी जो ब्लैक येल्लो और ग्रे है इसमें मैं कैपेसिटर की वायर जोड़ दूँगा और साथ में क्या करूँगा मैं इसको, ये जो मेरा मेन AC का है इसको मैं एक वाइट के साथ जोड़ूंगा जो कि वाइट वाला मेरा ये वाला है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और एक मैं ग्रे के साथ जोड़ूंगा।
ग्रे मेरा स्ट्रप है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रे को मैं अभी जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैंने इसको लगा दिया है। अगर मैं इसको ग्रे के साथ जोड़ता हूँ, पहले मुझको यहाँ पे ये रिलीज करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे ताकि मेरा जो ब्रेक है वो निकला हुआ होना चाहिए। ये मैंने लगा दिया है। यहाँ पे मेरा ग्रे है जो कि मेरा उल्टा है, देख सकते हैं। अब मैं ग्रे के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसको, देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन किस तरीके से है। जिस तरीके से मैंने कहा था ये उसी तरीके से घूम रही है, लेकिन चलेगी यहाँ पे भी। कई लोग क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं और ये स्टार्टिंग में आ जाएगी और यहाँ पे ये मोटर फूक जाएगी। तो इस डायरेक्शन में कभी मत जोड़ना, डायरेक्शन हमेशा यही होनी चाहिए। इसमें तो चलो जैक सिस्टम है तो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ेगा। जो लोग करते हैं उन लोगों को तो आइडिया होता है, क्योंकि यहाँ पे कलर कोड भी होता है। वाइट वाइट में ही लगेगी पूरी वॉशिंग मशीन में, जो वायर जिस कलर का होता है उसी के हिसाब से लगती है। लेकिन जब आप इसको रिवाइंडिंग करते हैं, यहाँ से कोई दूसरा टेक्नीशियन चार वायर निकालता है, चार लीड निकालता है, दो रनिंग की दो स्टार्टिंग की, उस केस में ये गलती मत करना, रनिंग में ही चलाना इसको और इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए हमेशा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।